नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया, कैमरामैन विवेक कुमार के साथ। सब्जी मंडी का मैं आपको सारा दृश्य दिखाऊंगा, जो कि पश्चिमी चंपारण मुख्यालय बेतिया का सब्जी मंडी, जो कि बाज़ार समिति में पहले चलता था। अभी बाज़ार समिति में कुछ कार्य चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जिसके कारण सब्जी मंडी को अभी हरिवाड़िया के पास कुछ महीनों से शिफ्ट कर दिया गया है। पहले थोड़ा थोड़ा लगता था, लेकिन अभी पूरा शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ का क्या हालात है, आखिर व्यापारी जो हैं यहाँ के, वो कैसे हालात, क्या हालात झेल रहे हैं, हम थोड़ा सा एक नज़र आपको इस पर डालेंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का क्या दृश्य है। दोस्तों, जो आप सामने में देख रहे हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ। आप कुछ सेकंड पहले भी देखे हैं कि बगल में पूरा पानी लगा हुआ था। अभी आप सामने में जो देख रहे हैं, देखिए कितना कचरा है और पानी भी लगा हुआ है। जो छोटे छोटे जो लोग झोपड़ी डाले हैं सब्जी का, जो लोग व्यापारी हैं छोटे छोटे, वो पूरा पानी में, देखिए उनका जो छोटा सा एक जहाँ सब्जी रखने का जो जगह होता है, वो पानी में डूब चुका है। और क्या यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, क्या वो सब्जी नहीं खाते हैं? क्या उनके बाल बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं? देखिए कैसे कचरा को रोड पे एकदम अजीब तरीके से फेंका गया है, जो कि सुअर, गाय, भैंस सभी जानवर जो है आकर उससे कुछ खाते हैं, फिर उसको छींटते हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद पता चला कि वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे इसी तरह चलते आ रहा है, शहर का हाल जो है एकदम बेकार हो चुका है, ये नगर निगम का स्थिति है। तो मैं यहाँ के जो भी नेतागण हैं, जो भी अधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी स्थिति को देखते हैं, क्योंकि आप भी इधर से गुजरते हैं हमें पता है, तो आप देखें तो कम से कम उसकी जिसके भी जिम्मेवारी है उसको तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे साफ़ सफाई ज़रूरी है, यहाँ कचरा नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे जो पानी लग रहा है उस पानी को निकासी का कोई व्यवस्था कीजिए, आखिर कैसे चलेगा ये सभी चीज़ें। लेकिन यहाँ के जो भी सिस्टम है एकदम भ्रष्ट हो चुका है, किसी को नहीं दिखता है, सभी आँख से अंधे हो चुके हैं। देखिए सामने जो भाई साहब है कैसे कीचड़ में पैर रख के चल रहे हैं, वो गिर भी सकते हैं, उनके पैर में कुछ चुभ भी सकता है। लेकिन जो लोग एसी में बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं, उन्हें तो ये नहीं पता है कि आखिर वो दर्द क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सभी लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो जनता आपको जिस कुर्सी पर बैठाई है, वो जनता आपसे वो कुर्सी छीन सकती है, उसके वोट का आप गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। देखिए कितना खतरनाक यहाँ पे पानी और कचरा लगा हुआ है, कचरा जो है पानी में तैर रहा है, खतरनाक बदबू आता है इधर से। कभी अगर आप अपने गाड़ी में, बंद गाड़ी में इधर से गुजरते हैं, तो गाड़ी का शीशा खोल कर तो एक बार देख लीजिए और सूंघ लीजिए कि क्या कैसे महकता है कचरा, तब आपको नज़र आएगा, तब आपको लगेगा कि आखिर यहाँ के जो लोग हैं, जो भी इस रोड से गुजरते हैं, आखिर उनके ऊपर क्या गुजरता है। आप देखिए कैसे कचरा फेंका हुआ है, कहीं ना कोई जगह होना चाहिए ना कचरा फेंकने का, जगह है लेकिन उस जगह पे ये लोग ले जाकर कचरा फेंकते नहीं हैं। कचरा जो है अलग अलग रोड के किनारे फेंकते हैं, कहीं रोड पे ही पड़ा हुआ रहता है। तो आखिर इन सभी चीज़ों का कौन जवाब देगा? ठीक है, अगर आप कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए कहीं शिफ्ट किए हैं, फिर भी उसका रख रखाव तो होना चाहिए ना। देखिए कैसे रोड पर सब्जी उतरा रहा है लोग इधर से, अभी तो थोड़ा सा बारिश का मौसम है जिसके कारण से इधर भीड़ आपको नहीं दिख रहा, लेकिन इधर से काफ़ी भीड़ रहता है। इस शहर का सेंटर का जगह आप देखिए कैसे कचरा बेरहमी तरीके से फेंका हुआ है। इन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, लोगों का जान जा सकता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ भूसा के व्यापारी भी हैं, जो कि ट्रक को रोड पे ही खड़ा करके अपना यहाँ पे बिक्री चालू कर देते हैं। कितना सड़क पूरा जाम लग गया, आप देख सकते हैं भूसा से, सामने आप देखिए पूरा कचरा है। यहाँ पे आसपास जो भी आप देखेंगे, ये बस स्टैंड यहाँ से नज़दीक है, रेलवे स्टेशन एकदम करीब में है, बाज़ार समिति है, तो जो भी यहाँ के बगल में कलेक्ट्रिएट है, क्या इधर से जो लोग गुजरते हैं उन लोगों के आँख में शर्म नहीं लगता है कि इस पर आप आवाज़ उठाएँ?
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस शहर का भलाई, इस नगर निगम स्वच्छ हो और आप भी स्वच्छ रहें और आपको भी कोई बीमारी नहीं हो इन सभी चीज़ों से, तो दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।